अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि फ़र्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को अपनी सीट फ्रीज़ करनी थी उन्होंने कर दी है, जिनको फ्लोट करनी थी उन्होंने कर दी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सेकंड राउंड की, और सेकंड राउंड का कट ऑफ आपको जैसा ऑलरेडी मैंने बोला है कि जो कैलेंडर आया है 25 सितंबर से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। देन उसके बाद बात आ जाती है कट ऑफ की, क्या सेकेंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम जाएगा, कौन सी कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा जाता है सेकेंड राउंड में, कौन सी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो कम जाता है। तो आपको पता ही होगा कि कोर्स वाइज अपना कट ऑफ हो जाता है, कैटेगरी वाइज अपना कट ऑफ हो जाता है, कॉलेजेस में अपना कट ऑफ हो जाता है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एरिया में सीट जो है वो जल्दी फिलअप हो जाती है और कितनी सीट्स अभी वैकेंट हो जाए होंगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं जो सेकंड राउंड आपका वो 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपकी चॉइस लिंक का पोर्टल ओपन रहेगा। देन 4 या 5 अक्टूबर की आपकी डायरेक्टली सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, और सेकंड राउंड में आपने कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करनी होती है। तो कट ऑफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है, अगर आप ओपन से हैं, अगर आप ओपन की कैटेगरी से हैं, आप प्रोफेशनल कोई कोर्स यानी कि बी फार्मा बी एस सी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है। कट ऑफ अगर डिक्रीज हो वो थोड़ा सा जाएगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है आर बी ए है, एस सी एस टी है, जो भी और भी कोई कैटेगरी होगी, तो अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो सेकंड राउंड में आपका काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल जनरल कोर्सेज वगैरह, उनमें सेकंड राउंड में कट ऑफ काफ़ी कम जो है वो जाता है। जनरल में भी, सॉरी जनरल नहीं, ओपन की कैटेगरी वाले अगर प्रोफेशनल कोई कोर्स बी फार्मा बी एस सी नर्सिंग करना चाहते हैं उसमें भी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं जाएगा जितना बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जाने वाला है। अब कट ऑफ कितना जा सकता है वो तो एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकेगा, हाँ लेकिन जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गए उससे कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है। चांसेस क्या, मतलब हो जाता है, हर साल कम ही जाता है सेकंड राउंड में, और उसके साथ साथ जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सेकंड राउंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और जिनकी यहाँ पे नो अलॉटमेंट है उनको भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सीट अलॉट, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो है कॉलेज अलॉट होने के, अगर वो अच्छी तरह से चॉइसेस फिलअप करेंगे, और चांसेस हैं कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना होगा उसके लिए, आपने चॉइसेस अपनी जो है वो मैक्सिमम फिल करनी होगी, भले ही आपकी परसेंटेज 80, 85, 90 है, आपको चॉइसेस अपनी मैक्सिमम रखनी होंगी, और चॉइसेस के साथ साथ जो जिस हिसाब से मैंने आपको प्रेफरेंस बोली है और अभी बोलूँगा अभी किस हिसाब से रखनी है उसी हिसाब से आप रख लेंगे अपनी कोर्सेज, और कोर्सेज वही रख लेना जिनमें आपको जाना है। ऐसा ना हो कि आपको जो है बी फार्मा करना हो आप बीटेक के भी कॉलेजेस डाल दोगे, जनरल के भी कॉलेजेस डाल दोगे, जैसे फर्स्ट राउंड में बच्चों ने किया, फिर उनको जो है वो कोर्स मिला जिसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। इसलिए आप कोर्सेज तो मैक्सिमम रख लीजिए, लेकिन वही मैक्सिमम कोर्सेज रख लेना जिनके लिए आप एलिजिबल हो, और जिनको अगर आप करना चाहें तो अगर आपको वो मिले तो वो आप जो है वो आगे चलकर जो है वो करोगे। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सीट्स वैकेंट की, कि सीट्स वैकेंट कितनी हो सकती है। यहाँ पे देखिए सीट्स इस बार सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा 50% के प्लस, मैंने आपको पहले भी बोला लगभग 60% सीट्स अभी वैकेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मध्य प्रदेश में सारे बी एस सी नर्सिंग के एडमिशन्स कैंसिल कर दिए, देन उसके बाद फिर और इन्होंने सीट जो है वो जो रॉन्ग सीट्स अलॉट हुई थी उनको कैंसिल कर दिया। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैंसिल करवा दिया है, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपनी सीट्स को फ्लोट कर दिया था, और दैट मींस कि यहाँ पे अभी सीट जो है वो काफ़ी वैकेंट है, 60% के आसपास सीट्स वैकेंट है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको कौन से रीजन में जो है वो कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड में फिलअप जो है वो नॉर्थ के कॉलेजेस हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का टारगेट जो होता है वो नॉर्थ के कॉलेजेस होता है, इसलिए जो नॉर्थ का जो कॉलेज किसी कैंडिडेट को अलॉट हुआ उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट उस कॉलेज को फ्लोट करेगा या उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करेगा, इसलिए नॉर्थ के कॉलेजेस में जो है वो कॉलेजेस जो है वो फिलअप हो जाते हैं जल्दी, लेकिन सीट्स वैकेंट रहेंगी। लेकिन बाकी के जो एरियाज़ हैं जैसे सेंट्रल है, ईस्ट वेस्ट है और साउथ है, उनमें बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट है और उनमें सीट्स वैकेंट रहती है। नॉर्थ में भी वैकेंट रहती हैं लेकिन ज़्यादा सीट्स यहाँ पर वैकेंट नहीं रहनी। अब सेकेंड राउंड में आपने कैसे चॉइस फिलिंग करनी, मैंने हर बार आपको बोला है अगर परसेंटेज का मैं ईस्ट वेस्ट के पहले कॉलेज रख लो, देन साउथ के रख लो, देन सेंट्रल इंडिया के रख लो, देन नॉर्थ इंडिया के रख लो, इस हिसाब से आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग अपनी जो है वो कर लेना। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, ये था एक डिटेल में वीडियो सेकंड राउंड के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।